ओम शांति। हम सभी अभी अपने श्रेष्ठ सम्मान में स्थित हो जाएंगे। अपना श्रेष्ठ सम्मान याद करें। और इसी श्रेष्ठ सम्मान के सीट पर स्थित होकर हम प्यारे बाबा को आह्वान करते हैं कि बाबा, अभी हम जहां हैं वहां आप आ जाओ। दोनों बाबा हमारे एक ही पुकार पर हमारे सम्मुख उपस्थित। और मैं देख रही हूँ बाबा के हाथ में सफेद कमल पुष्प। और बाबा जैसे हमें याद दिला रहे हैं कि बच्चे याद करो, जो भक्ति में महिमा गाई जाती है कौन नयन। हस्त कमल, मुख कमल और चरण कमल। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे जानते हो कि किसका यादगार है। तुम्हारी ही इस संगम का यादगार। अब चेक करो तुम्हारी इंद्रिया कहाँ तक कमल समान बने हैं। और हम चेक करने लगे, 1 मिनट के लिए चेक करेंगे हमारा कौन कौन सी इंद्रिया कमल समान बने। और बाबा को बोलेंगे, सुनाएंगे कि बाबा यह इंद्रिया की स्थिति ऐसे है। जैसे हम बाबा को बोल रहे हैं, बाबा अपनी वरदानी हाथ फैलाते हुए पवित्रता का सफेद किरण हमें दे रहे हैं। बाबा की पवित्रता की किरण मुझ आत्मा में समाती जा रहे हैं।
मैं सुंदर। प्रकाशित स्वरूप में स्वयं को अनुभव कर रहे हूं। और बाबा कमल फूल हमें दे रहे हैं। जैसे ही मैं कमल फूल को छू लेती हूँ, खुद को मैं पाती हूँ कमल पुष्प के आसन। मेरा अंग अंग में पवित्रता समाई हुई है, पवित्रता से भर गए हैं। और बाबा हमें ले जा रहे हैं मनुष्य सृष्टि की कल्प वृक्ष की फाउंडेशन तने में। मैं खुद को देख रही हूँ सफेद फरिश्ता स्वरूप में, सफेद कमल आसन। सृष्टि रूपी कल्प रूपी वृक्ष, कल्प वृक्ष के फाउंडेशन तने। और मैं यह भी देख रही हूँ कि कमल निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ कनेक्टेड, उस महावीर के साथ कनेक्टेड। और स्मृति है कि मैं पूर्वज हूं, आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूं। कल्प वृक्ष के बीज महाबीज परम बीज के साथ कनेक्टेड। और इसी स्थिति में स्थित हो करके अब हम बाबा के ही महावाक्य को सुनने के लिए तैयार हो रहा हूं। हम सभी अभी कमल पुष्प के आसन में स्थित होकर के, उसी स्मृति में स्थित होकर के आज की मुरली सुनेंगे, बाबा की महावाक्य 12 जून 77 की मुरली। और आज 28 नवंबर
2023। और मुरली के टाइटल, कमल पुष्प समान स्थिति ही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन है। और इस मुरली में हम देखेंगे, पढ़ेंगे कि कमल पुष्प समान स्थिति क्या है, और कमल पुष्प का विशेषता क्या है। उस विशेषता को हमें खुद में धारण भी करना है, और कितने परसेंट में धारण करना है ये भी हमें चेक करना है। तो बाबा ये चेकिंग के लिए समझाने भी दे रहे हैं, साथ ही साथ बाबा ब्राह्मण जीवन की स्मृति भी दिला रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेषता क्या होनी चाहिए, क्या विशेष धारणाएं होनी चाहिए, और संगम युग का भी बाबा थोड़ा महिमा कर रहे हैं कि आज संगम युग क्या है, कि कौन सी समय है संगम युग, यह भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने को खुद को आधारमूर्त मानते हैं या नहीं, इस सीट पर, इस स्मृति पर रहते हैं या नहीं, वो भी बाबा समझा रहे हैं। और दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र, ये भी बाबा आज गिफ्ट में हमें दे रहे हैं। यही तो एक गिफ्ट ब्राह्मण जीवन की जन्म से प्राप्त हुई गिफ्ट है। तो इसे गिफ्ट कमल पुष्प के समान स्थिति में स्थित होकर के उसे गिफ्ट की स्मृति, दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र को स्मृति में रखते हुए हम आज की मुरली सुनेंगे। तो सर्व प्राप्तियों के आधार, सर्व प्राप्तियों के आधार बाप ने समर्थ बंधन मुक्त योग युक्त आत्माओं के प्रति, बाप दादा ने यह महावाक्य उच्चारे। बाबा प्रश्न से शुरू कर रहे हैं आज की मुरली। सदा ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ आसन कमल पुष्प समान स्थिति में स्थित रहते हो क्या? ब्राह्मणों का आसन सदा साथ रहता है, तो आप सब ब्राह्मण भी सदा आसन पर विराजमान रहते हो क्या? जैसे बाबा यहाँ ब्राह्मण को हमारी जन्म ब्राह्मण जन्म से कंपेयर कर रहे हैं। जो भी ब्राह्मण होते हैं वो किसी न किसी आसन पे रहकर बैठ करके अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। तो ऐसे ही हम ब्राह्मणों की श्रेष्ठ आसन कौन से हैं, उस आसन में विराजमान रहते हो क्या? तो बाबा पूछ रहे हैं कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात। तो सुनेंगे कमल पुष्प समान स्थिति का अर्थ। कमल पुष्प समान स्थिति अर्थात सदा हर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए, हर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करते हुए भी इंद्रियों के आकर्षण से न्यारा और प्यारा, न्यारे और प्यारे। सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, सिर्फ स्मृति में न्यारा और प्यारा नहीं, लेकिन हर सेकेंड का सर्व कर्म न्यारे और प्यारे स्थिति में हो, इसी का यादगार। तो बाबा यादगार भी यहाँ बाबा बोल रहे हैं, इसी का यादगार आप सबके गायन में अब तक भी भक्त हर कर्म इंद्रिय के प्रति महिमा में कमल नयन, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल। यहाँ तीन कर्म इंद्रिय की बात बाबा कह रहे हैं, नयन मुख और हस्त, नयन कमल मुख कमल हस्त कमल।
कर गायन करते हैं तो यह किस समय की स्थिति का आसन है इस ब्राह्मण जीवन का? अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो, हर कर्म इंद्रिय कमल समान बने हैं क्या? नयन कमल बने हैं, हस्त कमल बने हैं क्या? कमल अर्थात कमल हस्त, कमल नयन या कमल मुख, मुख कमल होने का अर्थ क्या है? कमल अर्थात कर्म करते हुए भी भिखारी बंधनों से मुक्त, भिखारी बंधनों से मुक्त, देह को देख भी रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नयन कमल वाले देह के आकर्षण के बंधन में नहीं आएंगे। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारे अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारे, जैसे कमल जल में रहते हुए जल से न्यारा अर्थात जल के आकर्षण के बंधन से न्यारा, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है, अनेक भिन्न भिन्न संबंध से न्यारा रहता है। कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेले नहीं होता है, प्रवृत्ति मार्ग की निशानी का सूचक है। कमल पुष्प प्रवृत्ति मार्ग का निशानी। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते चल चाहे लौकिक चाहे अलौकिक साथ साथ किचड़े अर्थात साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। ब्राह्मण जीवन का गुह्य डेफिनेशन बाबा यहाँ बता रहे हैं। ऐसे ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान बनने वाली आत्माएं प्रवृत्ति में रहते चाहे लौकिक चाहे अलौकिक साथ साथ किचड़े अर्थात तमोगुणी पतित वातावरण रहते हुए भी न्यारे। जो गुण रचना में है तो मास्टर रचता में वही गुण है। बाबा यहाँ रचना कमल फूल का फूल को इशारा कर रहे हैं। जो कमल फूल में विशेषताएं हैं वह मास्टर रचयिता हम ब्राह्मणों में भी वही गुण है। सदा इस आसन पर स्थित रहते हो व कभी कभी रहते हो। सदा बाबा यहाँ सदा फोकस करके हाईलाइट करके या इम्फेसिस करके बोल रहे हैं, सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकेंगे। सदा अपने इस आसन को धारण करने वाले ही सर्व बंधन मुक्त और सदा योग युक्त बन सकते हैं। अपने आप को देखो, अपने आप को देखो, पांच विकार पांच प्रकृति के तत्व के बंधन से कितने परसेंटेज में मुक्त हुए हैं? लिप्त आत्मा हो या मुक्त आत्मा हो, पांच विकार पांच प्रकृति के तत्व के बंधन से कितने परसेंटेज में मुक्त हुए हो? लिप्त आत्मा हो वा मुक्त आत्मा हो? आप सबने बाप दादा से वायदा किया है कि सबको छोड़ एक आप के ही बनेंगे, जो कहेंगे जैसा कराएंगे जैसा चलाएंगे वैसा चलेंगे। ये वायदा है हमारा कि आप के ही बनेंगे, जो कहेंगे जैसा कराएंगे जैसा चलाएंगे वैसे चलेंगे। वायदा निभा रहे हो क्या? सारा दिन में कितना समय वायदा निभाते हो और कितना समय वायदा भूल जाते हो या भूलते हो? गीत रोज गाते हो
बाबा गीत याद दिला रहे हैं, गीत रोज गाते हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, सबके मन में एक गीत गाते हैं ना, ऐसी स्थिति है क्या? दूसरा संबंध, दूसरा कोई संबंध, स्नेह, सहयोग व प्राप्ति, व्यक्ति व वैभव द्वारा बाप से किनारा कराने वाले रहा है क्या? है कोई व्यक्ति व वस्तु जो बंधन मुक्त आत्मा को अपने आकर्षण में बंद आकर्षण के बंधन में बांधने वाली? तो चेक करना है कि सदैव बाबा एक बाबा दूसरा न कोई ऐसी स्थिति में स्थित रहते हैं, या कोई दूसरा चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो हमारे वो अप हमें अपने तरफ आकर्षित करता है, कोई बंधन है या नहीं ये चेक करना है। जब दूसरा कोई नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो क्या? दूसरा कुछ भी नहीं, दूसरा कोई भी नहीं तो निरंतर बंधन मुक्त और योग युक्त आत्मा का अनुभव करते हो क्या? वो कहते हो दूसरा कोई नहीं परंतु है, या कहते हो कि दूसरा कोई नहीं परंतु है, परंतु कहते हो क्या? कोई है वह सब समाप्त हो गए, अगर है तो गीत क्यों गाते? एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक गीत गाते हो फिर भी कहीं कुछ कोने पे परंतु रखा हुआ है, तो गीत ही क्यों गाते हो? बाप दादा को खुश करने के लिए गाते हो क्या? वह कह कर अपनी स्थिति बनाने के लिए गाते हो? ब्राह्मण जीवन की विशेषता जानते हो? तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता बाबा याद दिला रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात, ब्राह्मण जीवन अर्थात बोलना, सॉरी सोचना, बोलना, करना, सब एक हो, ये तीन बातें एक होना चाहिए। सोचना मनसा में, बोलना वाचा में, करना कर्मणा में, सब एक हो, अंतर ना हो, मनसा वाचा कर्मणा। बाबा ऐसे भी कहते हैं मनसा वाचा करना एक हो, यहाँ बोल रहे हैं सोचना बोलना करना सब एक हो, अंतर ना हो। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता कब धारण करेंगे? अभी वह अंत में, अभी वह अंत में। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो स्वयं के पुरुषार्थ के बजाय समय पर छोड़ देते हैं। समय आए आने पर आत्माएं स्वयं कमजोर होने कारण समय पर रखते हैं। आप लोगों के पास भी जब म्यूजियम और प्रदर्शनी देखने आते हैं तो क्या कहते हैं? समय मिलेगा तो आएंगे, ऐसा होता है। आज के साकार मुरली में भी बाबा यह याद दिला रहे थे। जो किसी को भी हम संदेश देते हैं तो वो क्या कहते हैं? अभी तो हमारे पास टाइम नहीं है, समय मिलेगा तो आएंगे। तो आज के साकार मुरली में बाबा यही बोल रहे थे, प्रेसिडेंट की एग्जाम्पल दे रहे थे। अभी हमको समय नहीं है, यह अज्ञानियों की बोल है, यह तो हुई अज्ञानियों की बोल। तो बाबा अब हम ब्राह्मणों के ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि समय के ज्ञान से अज्ञानी है, वे तो समय के ज्ञान, समय कैसे चल रहे, कौन से समय चल रहे, वो ज्ञान उन्हें नहीं है। लेकिन लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है, हमें तो मालूम है कि ये कौन सा समय चल रहा है। बाबा अब संगम युग का विशेषताएं यहाँ बोल रहे हैं कि इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं, इस वर्तमान समय को कौन सा समय कहते हैं संगम युग का। तो यहाँ बाबा 5 पॉइंट बता रहे हैं। एक, कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना, कल्याणकारी युग अथवा समय कहते हो ना,
दूसरा, सारे कल्प की कमाई का समय कहते हो, सारे कल्प की कमाई का समय। तीसरा, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय कहते हो, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने के समय कहते हो। चौथा, 5,000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय कहते हो। और पांचवा है, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन परिवर्तन का समय कहते हो। समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हुए आने वाले समय पर छोड़ दे तो उसको क्या कहा जाएगा? समय को जानते हुए भी समय पर अपना पुरुषार्थ को छोड़ देंगे, समय पर करेंगे, समय समय आएगा तो करेंगे, ऐसा कहेंगे तो बाबा कहते हैं कि उन्हें क्या कहेंगे? समय भी आपकी क्रिएशन, समय भी आपकी क्रिएशन है। क्रिएशन के आधार पर क्रिएटर का पुरुषार्थ हो, अथवा समय के आधार पर पुरुषार्थ स्वयं का पुरुषार्थ हो तो उसे क्रिएटर कहा जाएगा। तो बाबा वंडर खाते हैं यहाँ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त हो। हम स्थित हो जाएं कि कल्प वृक्ष के तने पर, फाउंडेशन पर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, आप श्रेष्ठ आत्माएं, हम श्रेष्ठ आत्माएं सृष्टि के आधार मूर्त, कल्प वृक्ष के फाउंडेशन। ऐसे अनुभव करें आधार मूर्त हो, ऐसे आधार मूर्त समय के वो किसी भी प्रकार के आधार पर रहे तो अधीन कहेंगे, वह आधार मूर्त कहेंगे। हम आधार मूर्त हैं तो हमें किसी भी व्यक्ति समय या वस्तु को आधार नहीं लेना है। तो अपने आप को चेक करो कि सृष्टि के आधार मूर्त आत्मा किसी भी प्रकार के आधार पर तो नहीं चल रहे हैं, सिवाय एक बाप के आधार, सिवाय एक बाप के आधार मूर्त किसी भी हद के सहारे के आधार पर चलने वाले आत्माएं तो नहीं हो। वायदा तो यही किया है, मेरा तो एक ही सहारा है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? एक सहारे का प्रैक्टिकल प्रमाण क्या अनुभव होगा? एक सहारा बाबा को ही बनाया है तो प्रैक्टिकल में एक क्या दिखाई देंगे? सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। सदा एक अविनाशी सहारा लेते इस कलयुगी पतित दुनिया से किनारा किया हुआ अनुभव करेगा। ऐसी आत्मा की जीवन, ऐसी आत्मा की जीवन नैया कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ चली। सदा स्वयं को कलयुगी पतित भिखारी आकर्षण के किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसे खींच नहीं सकेगा। सदा स्वयं को कलयुगी पतित भिखारी आकर्षण से किनारा किया हुआ अर्थात परे महसूस करेंगे। कोई भी कलयुगी आकर्षण उसे खींच नहीं सकते। जैसे अब बाबा यहाँ साइंस की एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे साइंस के द्वारा धरती के आकर्षण से परे हो जाते, स्पेस में चले जाते अर्थात दूर चले जाते, अगर किसी भी प्रकार की आकर्षण, चाहे देह के संबंध की और देह के पदार्थ की आकर्षण करती है, इससे सिद्ध है कि कोई न कोई के सहारे का प्रत्यक्ष प्रमाण विनाशी अल्पकाल का सहारा
होने के कारण प्राप्ति भी अल्पकाल की होती है, अर्थात विनाशी थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे कई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। जैसे कोई कहते हैं थोड़ा अनुभव होता है, याद रहती है, शक्ति मिलती है। शक्ति स्वरूप का अनुभव होता है लेकिन सदा नहीं रहता, उसका कारण क्या? अनुभव तो रहता है पर सदा काल के लिए नहीं होता, थोड़े समय के लिए होता है, उसका कारण क्या है? आधार ही हिलता है तो स्वयं भी हिलता है। सॉरी, एक लाइन छूट गए। उसका कारण क्या है? अवश्य एक सहारे के बजाय कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। अवश्य एक सहारे, एक सहारा माना बाप का, एक बाप का सहारा की वजह कोई ना कोई हद के सहारे का आधार लिया हुआ है। आधार ही हिलता है और स्वयं ही हिलता है, अर्थात हलचल में आते हैं। तो अपने आधार को चेक करो, तो हम किस आधार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस आधार से आगे बढ़ रहे हैं, इसे इसे हमें चेक करना है। चेक करना आता है क्या? चेक करने के लिए दिव्य अर्थात समर्थ बुद्धि चाहिए। तो चेक करने के लिए भी साधन बताया बाबा ने, साधन है दिव्य समर्थ बुद्धि। अगर नहीं तो बुद्धिवान आत्मा के सहयोग से अपने चेक करो, अपने पास ये दिव्य बुद्धि। समझते हैं कि समर्थ नहीं है तो जिसके पास दिव्य बुद्धि है उन्हों के सहारा, उन्हों के सहयोग लेकर के चेक करना। बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जीवन जन्म का वरदान रूप में दिया है। जन्म सिद्ध, जन्मते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र ब्राह्मण जीवन जन्म का वरदान रूप में दिया है। या यूं कहो कि ब्राह्मण के बर्थडे की गिफ्ट है, बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है। ब्राह्मण के बर्थडे की गिफ्ट बाप द्वारा हर एक को प्राप्त है। क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? क्या अपने जन्म की गिफ्ट को संभालना आता है? अगर सदैव इस गिफ्ट को यथार्थ रीति से यूज करो तो सदा कमल पुष्प समान रहो, अर्थात सदा कमल पुष्प समान स्थिति के आसन पर स्थित रहो। दिव्य बुद्धि यूज करना आता है तो सदा क्या करना है? कमल पुष्प के आसन में स्थित, ऐसे स्थिति में स्थित होना है। समझा क्या चेकिंग करनी है? सर्व कर्म इंद्रिया कहाँ तक कमल बनी है? सर्व कुछ एक कर्म इंद्रिया नहीं, बाबा कहते हैं कि सर्व सर्व कर्म इंद्रिया कहाँ तक कमल बनी है। कमल माना बाबा ने आगे एक्सप्लेन कर चुका है। ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे अर्थात सदा हर्षित रहेंगे। ऐसे कमल समान बनने वाले सदा आकर्षण से परे सदा हर्षित रहेंगे। सदा हर्षित न रहना, सदा हर्षित न रहना अर्थात कहाँ न कहाँ आकर्षण है, आकर्षित होते हैं तब हर्षित नहीं रह सकते। तो इसको रिवर्सली भी हम चेक कर सकते हैं, हर्षित है तो आकर्षण नहीं है, आकर्षण है तो हर्षित नहीं है। अब इन सब बातों से बुद्धि द्वारा किरा किनारा करो, कहना और करना एक करो।
और करना एक करो। वायदा करने वाले नहीं लेकिन, बहुत भी ये बात, वायदा करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बनो। अच्छा, तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा सर्व संबंधों से एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे सदा स्वयं को आधार मूर्त समझने वाले, समय के आधार से परे, समय के आधार से परे स्वयं को समर्थ समझ चलने वाले, ऐसे समर्थ आत्माओं को, बंधन मुक्त आत्माओं को, सदा योग युक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम भी याद प्यार देते हैं बाबा को, ऐसे कमल पुष्प समान स्थिति के आसन देने वाले, हमें इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के आधार मूर्त बनाने वाले, दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र की गिफ्ट देने वाले, ऐसे बाप दादा को हम सभी कमल पुष्प आसनधारी आत्माओं के बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं और चेक करेंगे कि हमने एक बाबा को सहारा बनाया है या कुछ हद की वस्तु, वैभव या व्यक्ति को अपना सहारा बनाया है। तो चेक करेंगे कोई ऐसा बंधन या कोई ऐसा सहारा बनाया हुआ है, तो बाबा से माफी मांगेंगे और आज से बाबा को ही एक सहारा बनाएंगे, ऐसे बाबा से बातें भी करेंगे। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। सभी अपना अपना शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जी बोलिए। ओम शांति भाजी। तो बाबा ने आज कहा है कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सोचना, बोलना, करना सब एक होना चाहिए, और जो हम कहते हैं वही करना चाहिए, और ऐसे नहीं करना है कि हम वादा करें और वादा को निभाएं। तो हमें अपना स्थिति
कमल पुष्प समान बनानी है, जो बोले वही करे और वायदा करना है तो उसको निभाना भी है। और हमारा एक बाबा है और दूसरे के आधार पर हमें नहीं चलना है, एक बाबा हमारा है और उसी के आधार पर हमें चलना है, उसी को फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि सोचना, बोलना और करना एक हो, यानी मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा कहते हैं वो पूरी होनी चाहिए। मनसा विचार उठता है, वो ही बोलना चाहिए, वो ही करना चाहिए। ओम शांति। और क्या, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, यानी किसी से दूसरे से संबंध तो नहीं है आपके, बाबा से ही है, ये आपको विचार करना। अगर कहीं भी रह गया तो बाबा से बता देना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने मुरली में कहा है, कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, तो इसका अर्थ नहीं समझ में आया। ओम शांति। जी कोई बताएगा? हाँ, कमल का संबंध, जैसे कमल का क्या, मैं बोलूं? 2 मिनट रुके, बाकी कोई थोड़ा बोलेंगे। ओम शांति। कमल का अर्थ बाबा ने बताया है कि कीचड़ में रहते हुए भी वो सबसे अलग रहता है और अपने रूप द्वारा सबको हर्षित करता है। ऐसा ही कमल सरीका रहना चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा। और दूसरी बात, समय के बारे में बाबा ने बहुत बार इम्पोर्टेंस दिया है समय के बारे में, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अनुभव यह है कि पहले जब मेले लगते थे, कभी हम मेला देखने जाते थे तो मेले में प्रदर्शनी रहती थी, और प्रदर्शनी में जाते तो वहां ऐसा लगता कि कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वहां ऐसा लगता कि हमें अब समय नहीं है, हम बाद में आते। तो ये इसका इम्पोर्टेंस अभी समझ में आ रहा कि अब हमने वो समय व्यर्थ गमाया, लेकिन जब बाबा का साथ मिला तो समय क्या है, उसको कैसा हमने व्यर्थ नहीं गमाना चाहिए। और ये समय संगम युग का समय है, इसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, ऐसा बाबा का प्रैक्टिकल अनुभव हमने लिया है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे बहन ने क्वेश्चन पूछा ना कि कमल का संबंध क्या होते हैं, कि कैसे, उसी का बाबा हमें एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे वो सभी संबंध जो हमारे देह के संबंध हैं, हमें उन सब से भी न्यारा और प्यारा बनकर रहना। जैसे कमल डंडी होती है, कमल के पत्ते होते हैं, कमल की जड़ होती है, तो ये सब कीचड़ के अंदर भी होते हुए लेकिन कमल इस कीचड़े से अपने आप को न्यारा और प्यारा बनाकर कैसे खिला हुआ सुंदर दिखाई देता है ना। तो इसी प्रकार चाहे हमारे साथी संबंधी, हमारे संबंध संपर्क सब इस देह की दुनिया में हैं अपने आप को, लेकिन हम हमें उन सब से अपने आप को देह से, देह के संबंधियों से न्यारा और प्यारा बनकर, प्रभु का प्यारा बनकर उसी प्रकार जीवन में हमें जीवन को अपने चलाना है। तो उसका तरीका तो यही है कि हम सबको जब आत्मा समझते हैं तभी हम न्यारे और प्यारे हो सकते हैं, और हमारी वो पवित्रता और हमारी जो सौंदर्य है आत्मा का, वो खिला खिला कमल फूल के समान दुनिया में दिखाई देता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम मैं शांति। ओम शांति। बोलू क्या इसके, कमल ओम फूल शांति। के जी, कमल, हेनरीज हेनरीज है, उनको पहले बोलेंगे। अश्विनी बहन है, फिर अश्विनी बहन, वंदना बहन, दीप्ति बहन, इनका होने के बाद आप बोलिए। बोलिए अश्विनी बहन। ओम शांति। आज पापा बोलते हैं कि हमें, आज पापा ने हमें दो ग्रीव दी है, बाबा ने हमें जन्मते ही ब्राह्मण
को, हम ब्राह्मणों को एक तो दिव्य बुद्धि और नेत्र दिया है। बाबा बोलते उसे संभालेंगे तो हम कमल फूल समान बनेंगे, अगर उसे नहीं संभालेंगे तो हम कमल फूल समान नहीं बन सकते। ओम शांति सिस्टर। जी वंदना बहन आप बोलो। बोलते बहन बाबा कहते हैं आज सर्व कर्म कर्मेंद्रियों से कमल फूल समान बने हैं। सर्व अपने कर्मेंद्रिय जो भी है कमल फूल समान बना है। कमल फूल समान बनना वाले तो आकर्षण से परे रहे। आकर्षण से परे बोले तो अपने बुद्धि में टच नहीं होना, किनारा कर सभी संबंध बुद्धि से ही किनारा कर लेना। करना और कहना एक समान होना, जैसे बाबा कहते हैं ये हम अच्छा, कर मुझे हमें करना। करण भी करना है। ओके ओके, हाँ जी दीप्ति बहन बोलिए। करना है ओम ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि अगर आप थोड़ा समय बाबा की याद में रह पाते हो, थोड़ा समय सहारा बाबा का महसूस करते हो, तो अपने आप को चेक करो। इसका मतलब आपने किसी और का आधार लिया हुआ है, और अगर किसी और का आधार लोगे तो वो तो हमेशा नहीं रहेगा, वो हिलेगा। वो आधार हिलेगा तो आप भी हिलोगे। तो बाबा का आधार लो, सिर्फ सब संबंध बाबा से, सब सहारा बाबा से। तो बाबा तो बिल्कुल हिलेंगे नहीं और आप भी हिलोगे नहीं, स्थिति आपकी अचल अटूट रहेगी। कितना सुंदर बताया ना, क्योंकि अंत में सब सहारे हिलने वाले। चलो हिलने गीता सिस्टर बोलिए। कविता बहन बोलिए, आपका हैंड रेज है। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कमल मतलब बाबा ने बोला है कि जो अपने विकारी बंधन है उससे भी मुक्त। कर्म करते हुए भी जो भी बंधन है हमारे विकारी विचार आते हैं हमारे उससे भी मुक्त, हमेशा न्यारे प्यारे। और इसी का गायन है कमल नयन कमल हस्त कमल मुख। तो बाबा ने कहा अपनी स्थिति देखो कैसी रहती है। ब्राह्मण जीवन मतलब आपका जीवन किस तरह का होना चाहिए, एक भी विकारी संकल्प भी नहीं आना चाहिए। ये सी कोई कमल नयन बोला है बाबा ने। और आप कमल के समान ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए न्यारे और प्यारे, जैसे कमल की डंडी ऊपर होकर फूल ऊपर खिलता है उसी तरह न्यारे और प्यारे रहना है। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है हाँ जी बोलिए दीदी बोलू। बोलिए। हाँ कमल फूल के लिए बाबा ने कहा कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, सारी जड़ें नीचे रहती है और फूल ऊपर रहता है, डंडी ऊपर रहती है। तो हम भी इस घर में या इस दुनिया में रहते हुए अपने मन और बुद्धि परमात्मा के उसमें लगानी चाहिए। ये और जितने भी ये जड़े ये सब अपने बाल बच्चे हैं, इनकी सबकी परवाह करते हुए अपना मन इनमें नहीं लगाना चाहिए, बाबा की याद में लगाना चाहिए। है हाथ से काम करो, जो अपनी रचना है बाबा कहता है उसे संभालना भी है, उसे संभालते हुए मन बुद्धि मेरे में रखो। इसलिए है कमल फूल का ओम जी, शांति। हम एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम कितने इसमें हैं ये देखेंगे। तो हाँ मधुबहन ने भी हैंड रेस किया था। और वसुधा वर्मा जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज समय की ओर भी ध्यान खिंचवाया है कि सारे कल्प की कमाई का ये समय है, पूरे 5,000 साल के रिकॉर्ड भरने का ये समय है, और इसीलिए आपका हर संकल्प हर कर्म पे इतना अटेंशन चाहिए। और पूरे कल्प में अभी ही हमें पता चलता है कि समय भी हमारी रचना है, नहीं तो हम हमेशा समय के ही अधीन होके, समय ऐसा है समय ऐसा है। सो ये जो ज्ञान है बाबा बाबा से इसी समय हमें मिलता है। ओम शांति। जी, मुरली का रेस्ट पार्ट भी बहुत सुंदर है, सभी उस पर भी ध्यान दें, सभी पॉइंट्स कवर करें। आवाज आ रहा है ना, थोड़े यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है। और कौन शेयर दीदी ओम करेंगे? शांति। जी, हेमा बहन। ये दीदी जो लाइन है कि कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, अकेला नहीं होता, इस लाइन का क्या अर्थ है? कोई एक्सप्लेन करेंगे?
हाँ जो दीदी, एक कमल का ये जो संबंध है ना, एक ये मिनट एक मिनट, छह बोलो दीदी। 2 मिनटों में ललिता भी ने थोड़ा सा जी शांति। कई बार क्या होता है कि बाबा बोलते हैं ना कि एक अवगुण आया तो बाकी अवगुण भी आते हैं ना, तो हमें भी क्या करना है कि थोड़ा अपने ऊपर ध्यान रखना है ना। जैसे कई बाबा कहते हैं ना संग का रंग, ऐसे भी बाबा ने कई बार कहा है ना कि एक गुण भी धारण किया तो बाकी गुण ऑटोमेटिक आते हैं। तो हमें थोड़ा सा एक एक गुण के ऊपर, एक एक शक्ति के ऊपर, एक एक बाबा के पॉइंट के ऊपर सिर्फ चलना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा है कि है ना, बाबा की मुरली से हम सब कुछ मिलता भी है, लेकिन एक एक बात को हमें क्या करना है, सिर्फ चिंतन करके थोड़ा सा और गहराई में जाना, बाकी कुछ नहीं। तो भाई जी आप भी बताना अपना चिंतन। ओके वसुधा जी बोलिए। ये जो कमल के संबंध में बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कमल जल से निकलता है और कीचड़ में रहता है, पर इन दोनों से ही दोनों में ही लिप्त नहीं होता है ना, दोनों से ही बिल्कुल न्यारा रहता है। तो जहां से उसकी उत्पत्ति हुई या जहाँ पे वो है, जहाँ उसका परिवार है, जहां से वो निकला, तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जिस इस लौकिक इस सारे संबंध में रहते हुए भी हमें इससे न्यारे और प्यारे रहना है। जी ओम शांति। ओम जी बोला शांति। आज जो मुरली चली है ना, तो कमल पुष्प समान ब्राह्मण जीवन की विशेषता तो बहुत गहराई में जाने का है, एक एक पॉइंट। तो इस कमल पुष्प समान न्यारे रहने के लिए मुझ आत्मा का जो अनुभव है, मुझे लगता है कि बाबा के साथ हम सर्व संबंध रखेंगे तो किसी भी आत्मा के संबंध में हमारा आकर्षण नहीं जाएगा, और सर्व प्राप्तियां बाबा से ही है, तो किसी में वस्तु व्यक्ति या वैभव में हमारी आंख नहीं डूबेगी। और एक बाप दूसरा ना कोई, इसके गायन है, उसको हम प्रैक्टिकल में लाएंगे ना, तो बाप ही मेरा संसार है। हर लौकिक को अलौकिक में चेंज करेंगे ना, तो कुछ भी सहज पुरुषार्थ और सहज याद रहेगी। मेरा आज का अनुभव है कि मैंने सुबह से अमृत वेला से आज निश्चय किया था कि मैं 8 घंटा आज योग करना ही करना है मुझे, तो लेकिन मैं बैठी 2 घंटे सुबह किया तो थोड़ा थोड़ा हो गया, एटलीस्ट आज 5 घंटे हो गए मेरा पूरा आज तक, लेकिन किया हो गया तो हम निश्चय करेंगे ना तो सब कुछ हो जाता है। और बाप का साथ है उस हर हर वक्त में हम बाप का साथ रखेंगे, बार बार अनुभव कर आह्वान करने का, बाबा आओ, हर हर कार्य में बाबा का साथ ले लेता है, तो हमें ये कमल पुष्प समान रहना मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ओम शांति। जी, और सभी भी शेयर करें, जो एक पॉइंट आया है ना, इसकी डेपनेस में आएंगे। ओम शांति। बोलिए। जो प्रश्न पूछा गया, कमल का संबंध बहुत होते हैं, तो जो हम देखे कमल पुष्प कहाँ उगते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, एक कीचड़ में होते हैं, साथ ही साथ उस कीचड़ में कितने भी पौधे या झाड़ होते हैं ना, वो सभी झाड़ होते हैं फिर भी उन सभी से अलग रह दिखाई देते हैं। संबंध तो कितने ही होते हैं ना, तो जल में छोटा छोटा प्लांट्स होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं, इतने सारे प्लांट्स के बीच में कमल फूल सबको आकर्षित करते हैं। तो ऐसे ही बाबा हमारे जीवन को भी लिंक कर रहे हैं, हम लौकिक में भी कितने संबंधों से। वो बहन ने अलग क्वेश्चन पूछा था कि उसका वंशज कुछ, बहन जो आपने क्वेश्चन पूछा था आप बताएंगे फिर से। जी दीदी, यही पूछा था जो अभी भाई जी क्लियर कर रहे थे कि कमल के संबंध भी बहुत होते हैं, तो इस लाइन का ही अर्थ पूछा था। हाँ तो लौकिक में भी हमारा कितना संबंध है, उस संबंधी से भी हमें न्यारा रहना भी है और प्यारा भी रहना है, उन्हें उन्हों की सेवा भी करना है, और सेवा करते हुए भी उन्हों से मोह नहीं रखना है, लिप्त नहीं होना है। बाबा कहा ना आज मुरली में, लिप्त हो या मुक्त हो,
तो उन्हें लिप्त भी नहीं, उन्हों के साथ लिप्त भी नहीं होना है, मुक्त रहना भी है, न्यारा भी रहना है, तो प्यारा भी रहना है। ऐसे ही हम कितने ही लोग लौकिक के साथ साथ अलौकिक संबंध में भी आते हैं। तो बाबा शायद इस तरह से कमल पुष्प का बहुत संबंधी होते हैं, ऐसे लिंक कर रहे थे। जी संगीता बहन जी बोलिए। जी ओम शांति। तो कमल जो फूल है उसका हर पार्ट यूज होता है। उसकी जो एक ब्लैक रंग का सीड है वो पूजा में यूज होता है, बहुत लोग उसके रूट्स खाते हैं। और कमल जो है वो बहुत भक्ति में बहुत सारे देवी देवताओं का आसन दिखाया गया है, जैसे बुद्ध का। फिर और एक हमने बहुत जगह पे देखा हुआ है कि कमल पे और लक्ष्मी जी का वो पुष्प है। तो कमल जैसे सब में घुल मिल जाते हैं, वैसे बाबा हमें कमल पुष्प समान के हमारा एक एक इंद्रिय, हमारी दृष्टि पवित्र, हमारे वचन बाप समान एकदम ज्ञानी, हमारा सुनना भी एकदम ज्ञान युक्त, व्यर्थ सुनना नहीं, देखना नहीं, बोलना नहीं, कोई भी सुनाता है तो नहीं। तो जैसे कमल का एक एक जो पार्ट है, जो फूल का, जो हमको अभी 2 मिनट में जो हमको मनन चिंतन करने से जो रियलाइज हुआ वो फील हो रहा है, तो बाबा भी हमारे जितने गुण हैं सब में विशेषताएं हैं। जो विशेषता नहीं है वो हमें इनकलकट करने हैं, और वो विशेषता से भी सबकी सेवा करनी है, किसी का कुकिंग में, किसी का राइटिंग में, किसी का वाचा में। और तो मुझे हमें और हमारे ये कमल चिंतन चला है। के जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स अगर वो जी हम रीप्लांट करेंगे ना, तो फिर से वो कमल या उसके पेड़ चालू होते। यानी जी हमें अगर तो गंदगी में जाएंगे ना वो, यानी जो हमारा इस कलयुगी संसार में अगर हमारा विकार से जन्म हुआ है ना, तो हमारा अगर फिर से हम विकार में जाएंगे तो हम भी ऐसे ही गंदगी में जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपने बाबा ने हमको वहां से खींचा है, फूल की तरफ लाया है, यानी पूरा कीचड़ से भी ऊपर, यानी हमें अभी रूट्स में नहीं जाने, अभी हम फूल बनना है। ऐसे भी जी मुझे जी थोड़ा सा टच हुआ, क्योंकि फूल का जी आकार देखो, उस फ्लावर का आकार है ना, और जी जी बोलते हैं ना देवी देवताओं के आंखें देखो, एकदम कमल का जो पंखुड़ी रहता है ना वैसे आकार है उनके, कान का, हाथों के, उंगलियों का, इसलिए तो पैरों के उंगलियों का देखा है क्या, एकदम कमल जैसे रहते हैं, इसलिए उनको मुख का, लिप्स का आकार देखो तो एकदम। और रंग भी बहुत प्यारा होता है, व्हाइट देखे, ब्लू देखे, पिंक लोटस देखे, वो भी हमारे दिव्यता हमारे चेहरे से दिखाई देती है। ध्यान ओम शांति। भाई जी, जी कुछ बोलना टाइम चाहते हैं? टाइम भी हुआ हाँ है जी शायद। जी आप थोड़ा होमवर्क भी देना, और थोड़ा 1 मिनट योग भी कराना। जी ओम शांति। तो आज का जो हेडिंग है ना, कमल पुष्प समान की स्थिति, उसमें बाबा ने हमें भक्ति में जो महिमा बोला है ना, कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, हस्त कमल, तो जो ये महिमा है हमारा ही संगम का यादगार है। तो हम चेक करेंगे या इसके डेप्थ में जाएंगे, कमल हस्त माना क्या, कमल नयन माना क्या। और बाबा यहाँ चरण का तो बात नहीं किए हैं, ऐसे कमल से जुड़े हुए इंद्रियां जो भी महिमा में है उसके बारे में चिंतन करेंगे, इसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। और कल अमृत बेले से, अमृत बेले और विशेष नुमा शाम के योग में हम यह सम्मान लें कि हम कमल पुष्प के आसन पे स्थित होने वाले आधार मूर्त, उद्धार मूर्त, पूर्वज आत्मा हैं, और सारे कल्प वृक्ष में हम सकाश भी देंगे। बाबा महाबीज से कनेक्टेड होके उन्होंने गुण शक्तियां स्वयं में धारण करके और सारा कल्प वृक्ष में वो शक्तियां गुण हम देंगे। कल का यही होमवर्क लेंगे, अमृत बेले और विशेष नुमा शाम में यह अनुभव करेंगे, यह अभ्यास करेंगे। तो हम थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए योग करते आज के लिए छूट जाएंगे, मीटिंग को इन करेंगे। तो हम
खुद को फिर भी ले आते हैं कमल पुष्प के आसन में। आकारी शरीर में कमल पुष्प के आसन में आधार मूर्त उद्धार मूर्त पूर्वज आत्मा मुझ में बाबा ने सभी गुण और शक्तियां भर दिया। मैं सभी गुणों में संपन्न हो गया हूँ, सर्वशक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरण कल्प वृक्ष के हर पत्ते तक पहुंच रहे हैं। हर आत्मा शक्ति का अनुभव और गुणों का अनुभव कर रहे हैं। इस अनुभूति के लिए महावीर बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।